सब्सक्राइब कीजिए एएस फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेना है। इसके बाद एक फोल्ड और करना है। लेंथ 12 इंच तो उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करना है। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए चाहिए, 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो ये देखिए मैंने 13.5 इंच रख लिया है। इस साइड देखिए हमारी क्लोज है और इस साइड ये ओपन है। तो इस साइड हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है 3.5 इंच की दूरी पर, और यहाँ से हमें गले के लिए 2 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, और यहाँ से हमें इस तरह से शेप दे देनी है। यहाँ से लगभग हमें 3 इंच की दूरी छोड़ देनी है क्योंकि यहाँ पर हमें चाक बनाना है, तो इतनी हमें इस तरह से शेप दे देनी है। एक कट हमें यहाँ पर लगाना है, एक कट हमें यहाँ पर लगाना है, अब इसको इस तरह से हम अलग कर लेंगे। इसको हम फ्रंट पार्ट बना लेंगे। तो फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हमें बीच में से कट करना है क्योंकि ओपन बनाना है आगे से। अब जहाँ पर ये हमने गले के लिए कट लगाया था तो यहाँ से हम इस तरह से इंच टेप को रख लेंगे और 3 इंच इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ से 3 इंच की दूरी पर। अब मैं इसको ये कट किए देती हूँ। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट आ जाएगा। अब देखिए ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पर हमने ये कट लगाया था गले के लिए, तो ये हमें ज़्यादा नहीं काटना है, बहुत थोड़ा सा, 1/2 इंच से भी कम। ये दोनों फ्रंट पार्ट हैं तो ये यहाँ पर हमें गला बनाना है। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, एक फोल्ड और करना है, और यहाँ तक सिलाई लगानी है दोनों पार्ट पर। दोनों पर इस तरह से सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है बहुत थोड़ा सा, और उसके आगे इस तरह से फोल्ड करना है दोनों पार्ट में, फ्रंट पार्ट में इसी तरह से करना है। गले की कटिंग की है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और एक फोल्ड और करना है, और यहाँ तक हमें ये सिलाई लगानी है इस तरह से फोल्ड करके। ये इतना गला है, गले पर ये सिलाई हो चुकी है। और इसकी देखिए सीधी साइड मैंने ये ऊपर रखी हुई है, और इस तरह से इसके ऊपर ये हमें फ्रंट पार्ट रख लेने हैं। इनकी उल्टी साइड ऊपर है, सीधी साइड इनकी बीच में है, तो इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पर हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे, दोनों पर लगानी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे आर्म होल है ये हमने कट का निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करना है, एक फोल्ड और करना है, और यहाँ तक लगानी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई हो चुकी है।
अब हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। और इसी तरह से यहाँ पर भी लगानी है। दोनों साइड ये सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब यहाँ पर हमें इसके चाक बनाने हैं, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से, और इस साइड भी, और यहाँ से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। सिलाई लग चुकी है, अब हमें यहाँ पर लगानी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और बैक पार्ट में इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। नीचे सिलाई लग चुकी है, झबला ये स्टिच हो गया है। देखिए ऊपर वाली पट्टी में इसमें हमें काज करना है। आप दो या तीन बटन जितने भी लगाना चाहें, और नीचे वाली में बटन लगाने हैं। इस तरह से आप बहुत कम समय में झबला बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।